हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। एग्जाम टर्म वन का खत्म होने के बाद आप लोग काफी रिलैक्स महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अभी तो आधा रास्ता चला है आपने। जी हाँ, अभी आधा रास्ता चलना बाकी है। जी हाँ, टर्म टू तो अभी बाकी है ना। तो टर्म टू की तैयारी कैसे करें और टर्म टू के एग्जाम में हम कैसे बढ़िया स्कोर लाएं, इसीलिए मैं आज आया हूं आपको बताने कि क्या होनी चाहिए हम बच्चों की स्ट्रेटजी, क्या होनी चाहिए प्लानिंग, कैसे गोल सेट करें, क्या पढ़ना है, साइंस के सिलेबस में टर्म टू के क्या आ रहा है, ये सारा कुछ बताने के लिए, यानी टर्म टू के बारे में डिटेल एनालिसिस कराने के लिए मैं आपके सामने आया हूं, है ना बच्चों। तो आगे चले, चलो तो आप सभी बच्चों के दिमाग में एक बात जरूर क्वेश्चन उठ रहे होगा कि भाई अब क्या आने वाला है टर्म टू के सिलेबस में, है ना। दिमाग में चल रहा है कि नहीं, टर्म टू में साइंस के कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, है ना। तो यही तो बात हमको आज जाननी है और टर्म टू के लिए उसी हिसाब से प्लानिंग करनी है। तो फिर प्लानिंग और उसके बाद उस पर अमल करना, जी हाँ, प्लानिंग भी जरूरी है और फिर उस प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है। हमने प्लान बना लिया हमको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन अगर उस पर अमल नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे प्लानिंग को, तो फिर टर्म टू में कैसे स्कोर करेंगे। तो बच्चों चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा सिलेबस मैं आपको बताऊंगा, पढ़ना कैसे है वो भी बताऊंगा, है ना। तो प्लानिंग भी करेंगे हम और इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे, है ना। चलो आगे चला जाए, है ना। तो आपके दिमाग में इस समय बहुत ही जोर कोशिश हो रही होगी कि हमको टर्म टू का सर बताइए सिलेबस का क्या आने वाला है साइंस में। जी हाँ बच्चों, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले पहले आपको ये गोल सेट करना है, क्योंकि साइंस में इस बार टर्म टू के 7 चैप्टर आ रहे हैं। जी हाँ, टर्म टू साइंस में 7 चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, तो हमको इसका मतलब टर्म टू में साइंस सब्जेक्ट के लिए कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 7 चैप्टर पढ़ने हैं। तो 7 चैप्टर के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए और अपना गोल सेट कर लीजिए टर्म टू एग्जाम के लिए, है ना। 7 चैप्टर बहुत ज्यादा नहीं है, सिलेबस आराम से कवर हो सकता है और कई बार आप इस सिलेबस का रिवीजन भी कर सकते हो, क्योंकि केवल 7 चैप्टर आ रहे हैं, चैप्टर बहुत ज्यादा है नहीं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन और गोल सेट करना, ये 3 चीजें दिमाग में आपको रखनी है ना। तो अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आखिर कौन कौन सा जो 7 चैप्टर है वो कौन से 7 चैप्टर आ रहे हैं, है ना, सिलेबस, ठीक है। चलो तो मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूं, और जब सिलेबस हम पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तो आखिरी में क्या करेंगे, रिवीजन, है ना, और रिवीजन में मैं क्या कराऊंगा ये भी बताऊंगा, है ना। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं, है ना। तो हमारा प्लान ये है कि पहले हम सिलेबस को देखते हैं और फिर उस पर इंप्लीमेंट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, और पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी, मेरी, और पढ़ने की जिम्मेदारी आप लोगों की, ठीक है। तो अगर हम 7 चैप्टरों में बात करें तो पहला चैप्टर आता है चैप्टर 4, जिसका नाम है क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। इसमें कार्बन की कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में पूछेगा, कार्बन के वर्सटाइल नेचर के बारे में पूछेगा, है ना, होमोलोगस सीरीज के बारे में पूछेगा, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं इस चैप्टर से, है ना, समझ में आया। तो ये आपको पढ़ना है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये हो गया चैप्टर 4 एनसीईआरटी का, इससे क्वेश्चन आएंगे। आगे चला जाए, चैप्टर 4 के बाद अगला जो चैप्टर आ रहा है आपके सिलेबस में वो है टर्म 2 के सिलेबस में, वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें क्या क्या पूछेगा, इसमें क्यों नीड थी क्लासिफिकेशन की, क्या नीड थी, इसमें क्वेश्चन आएगा। अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, किन किन साइंटिस्टों ने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करने के लिए क्या प्रयास किया, तो उसमें डोब्रेनियर, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडली पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, और फिर ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, इन सभी सब टॉपिक से इस चैप्टर में क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो चैप्टर का नाम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, और ये रहे उन सब टॉपिकों के नाम जो इस चैप्टर में है और जिससे क्वेश्चन बन सकता है ना। तो ये भी हमको पढ़ना है। तो अभी तक कितने चैप्टर हो गए, चैप्टर 4, चैप्टर 5, यानी अभी 2 चैप्टर हुए हैं, टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं, 7। अगला चैप्टर देख लेते हैं, अगला चैप्टर है चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस।
ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, कैसे वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, ये हमको पढ़ना है। तो इसमें हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स भी पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स भी पढ़ेंगे, है ना। फिर मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग भी पढ़ना है, फिर HIV एड्स के बारे में भी पढ़ना है, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ के बारे में पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे चले तो अभी तक कितने चैप्टर हो गए, 3। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर आप देख रहे हो वो है चैप्टर 9, जिसका नाम है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। इस चैप्टर में कहां से क्वेश्चन आएगा, हेरिडिटरी से आएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट मेंडेलीव कंट्रीब्यूशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, सेक्स डिटर्मिनेशन, है ना, इन सभी मेन सब टॉपिकों से क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अगला बात करूं मैं तो अगला जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ से क्वेश्चन बन सकता है, रेजिस्टेंस से क्वेश्चन बनेगा, रेजिस्टिविटी सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट और एप्लीकेशंस का डेली लाइफ, और इलेक्ट्रिक पावर और इंटर रिलेशन बिटवीन पावर, वोल्ट, करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये वो सब टॉपिक है इस चैप्टर में जिससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। आगे चलते हैं नेक्स्ट है चैप्टर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अब बच्चों ये चैप्टर थोड़ा सा बच्चों को लगता है हार्ड, है ना, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, और आपको मैं बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और इसकी थ्योरी भी पढ़ाऊंगा ताकि ये चैप्टर आपको हार्ड ना लगे। तो टर्म टू के सिलेबस में अगर मैं कहूं जो बच्चों को सबसे ज्यादा हार्ड चैप्टर लगता है वो यही लगता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो इसको कई बार पढ़ना जरूरी है, एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, इसको कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा, और क्वेश्चन तो बहुत सारे लगाने पड़ेंगे जो कि हम लगाएंगे, है ना। जब तक इसको समझ नहीं लेंगे तब तक हम टर्म टू के सिलेबस को कंप्लीट नहीं मानेंगे, है ना। तो बच्चों ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, चलो। और फिर लास्ट चैप्टर है वो है आवर एनवायरमेंट। ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है। इसमें इकोसिस्टम से क्वेश्चन बनेगा, एनवायरमेंट प्रॉब्लम से क्वेश्चन बनेगा, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, और बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इनसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये काफी इजी चैप्टर है, यानी कुल मिला के जो 7 चैप्टर आपके टर्म टू के सिलेबस में आ रहे हैं उसमें अगर हार्ड माना जाए तो सिर्फ एक ही चैप्टर है जो बच्चों को हार्ड लगता है, लेकिन वो भी हार्ड नहीं लगेगा अगर आप प्लानिंग से पढ़ोगे। इसीलिए तो हम ये प्लानिंग और गोल सेट कर रहे हैं ताकि सारे चैप्टरों को हम पढ़ लें और कई बार रिविजन भी कर लें ताकि टर्म टू की तैयारी हमारी परफेक्ट हो। तो रिविजन में हम NCERT बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, हम सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे, है ना, हम मॉक टेस्ट पेपर भी लगाएंगे ताकि ये 7 चैप्टर आपके एग्जाम के पहले, टर्म टू के एग्जाम के पहले कंप्लीट तरीके से तैयार हो जाए और रिवीजन भी हो जाए, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाओ। और हम यही चाहते हैं कि आपकी टर्म टू की तैयारी एकदम एक नंबर हो, ठीक है बच्चों। तो अब आपको टर्म टू साइंस के सिलेबस में बारे में अब काफी नॉलेज मिल गई है, बस अब क्या है, अब प्लानिंग तो पता चल गई क्या करना है, अब प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन की बारी है, है ना। और जल्दी ही हम टर्म टू का जो भी सिलेबस है हम शुरू करेंगे पढ़ाना, और आपको है जुड़ना और अपने दोस्तों को भी है जोड़ना। तो यही बताने के लिए मैं आपके सामने आया था। थैंक यू सो मच। चैनल अड्डा 24/7 क्लास 9 और 10 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।